दोस्तों ये है वीडियो पे प्रोफेशनल एनसीआई सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 3। तो ये क्लास 3 के अंदर जो है वो हम लोग डिस्कशन करेंगे तकरीबन तीसरे ट्यूटोरियल के ऊपर। तो जो आप लोग जो है वो वीडियो को किस तरह जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन दोबारा मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आप ऐड फाइल के ऊपर भी क्लिक करके जो है वो यहाँ से भी जो फाइलें हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भी आप जो है वो फाइल को एनसीआई सॉफ्टवेयर में जो है वो ये देखें ये वहाँ से भी निकल के जो है वो आ गई है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। ये देखें यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है वो इस सीक्वेंस के साथ है, तो इसको आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगी, ये वीडियो फाइल है, ये अलग से एक फाइल है। यहाँ से अगर आप डिलीट कर भी देते हैं तो वहाँ पे फाइल जो है वो मौजूद रहेगी, बल्कि डिलीट हो जाएगी। यहाँ से करेंगे ना दोबारा दोनों डिलीट हो जाएंगे। सीक्वेंस पे अगर फाइल को डिलीट करेंगे तो वो नहीं होगी। मैं आपको यहाँ से फाइल एक जो है वो आगे बता देता हूँ, जैसे कि ये डेमो है, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ पर आके ड्रॉप कर दूँगा। ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस है, तो वीडियो फाइल और वीडियो फाइल आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आईडियो करेंगे तो आईडियो भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। उसके अलावा पिक्चर वगैरह करते हैं ड्रैग और ड्रॉप, वो मैं बता भी देता हूँ। आपने यहाँ से पिक्चर पे चले जाना है और यहाँ से जो मर्जी पिक्चर आप लोग जो है वो यहाँ से लेके उसको ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको ले के आता हूँ और इधर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से मैं आके यहाँ पे जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये वीडियो ट्रैक के अंदर आ जाएगा। इसको ऑडियो ट्रैक के अंदर मैं नहीं लेके आ सकता क्योंकि ये सिर्फ ऑडियो ट्रैक है। यहाँ पे वीडियो ट्रैक के अंदर मैं कुछ भी ला सकता हूँ, यानी कि इमेजेस टेक्स्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ, अलबत्ता मैं वहाँ पर ऐड नहीं कर सकता। तो जैसे कि इसको मैं आप कर देता हूँ डिलीट, वहाँ से भी डिलीट ऑटोमेटिकली हो गई है। डेमो है तो डेमो को यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ से शो हो रहा है, आप हाइड भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं इसी तरह। इसको क्रॉस कर रहे हैं, डीएम के मतलब बात हो रही है। तो इसका आप साउंड भी जो है वो देखें चेंज कर सकते हैं, सेंटर पर रखना चाहें जो मर्जी इसको साउंड आप देखना चाहें दे सकते हैं साउंड के ऊपर भी। तो मैं आपको जस्ट इसके ऊपर आप जो है ये सारी डिटेल जो है वो बताऊंगा। तो प्लेस क्लिप ऑन सीक्वेंस, यानी कि अगर आप ये जो वीडियो है इसको यहाँ से अगर डिलीट करें, अब ये देखें डिलीट हो गई, यहाँ से डेमो पे क्लिक करेंगे तो प्लेस यानी कि ये जो सीक्वेंस है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसके बाद प्लेस ऑन सीक्वेंस के जो स्टार्ट की सीक्वेंस है वहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से आप अगर करेंगे ना तो मैं कर देता हूँ बंद, तो ये स्टार्टिंग पे बिल्कुल चला जाएगा, ये कर्सर जो हमारा है ये स्टार्टिंग पे चला जाएगा। अगर हम कर्सर को यहाँ पे अगर लेके आते हैं फॉर एग्जांपल तो वीडियो को प्ले आ गई है। अब यहाँ से लेके प्ले ऑन सीक्वेंस के ऊपर कर्सर के ऊपर जाएंगे तो ये कर्सर जहाँ पे होगा वहीं पे रहेगा और वीडियो जो है यहाँ से अब स्टार्ट होगी। अब ये जो ऐसा है ये स्प्लिट हो गया, ये यानी कि काट दिया गया। आप यहाँ से भी इसको काट सकते हैं, मसलन कि यहाँ से अगर जी व्यूअर्स आपने अगर आप यहाँ से इसको काटना चाहें तो ये देखें स्प्लिट पे करेंगे तो ये काटा हो जाता है। आप इसको डिफरेंट तरीके से ये देखें काट सकते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। ये ऑल ट्रैक यानी कि जितने भी ट्रैक हैं, यानी कि ये पहला ट्रैक, दूसरा ट्रैक, तीसरा ट्रैक, इन सबको जो है ये स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट ऑल वीडियोज़ यानी कि जितनी भी वीडियोज़ होगी उसको काट देगा। स्प्लिट ऑल ऑडियो ट्रैक्स यानी कि जितने ऑडियो के ट्रैक्स होंगे इस ऑडियो के वो यहाँ से स्प्लिट कर देगा। तो मैं यहाँ से ऑडियो ट्रैक के ऊपर क्लिक करता हूँ और स्प्लिट ट्रैक मान दीजिए, देखें ये यहाँ से नीचे से काटा गया है, ऊपर ठीक रहा है, नीचे से काट दिया गया है। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ये भी ऑप्शन है, वो ऑप्शन भी है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। अब ठीक हो गया, तो अब जो है आपने कंट्रोल जेड दबा के दोबारा वहीं पे चले जाना है जो वीडियो ये एक ये इसको स्प्लिट हमने बहुत ज़्यादा टाइम कर दिया था। कंट्रोल जेड दबाने के बाद जो है ये दोबारा वही वीडियो बन गई है। अब यहाँ पे आपने जाना है दोबारा और ओवरले
ऑन सीक्वेंस ऐड कर्सर, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो वीडियो है ये उठ के यहाँ पे, यानी कि दो वीडियो बन जाएंगी और जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहीं से मूवी जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। इसको मैं डिलीट करके आपको दोबारा बता देता हूँ। मतलब मैं कर्सर यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ से जो है वो मैं इसको कर देता हूँ और लेट। तो ये देखें स्टार्ट हो गई है, यानी कि सेम यही जो है इसका डुप्लीकेट बन गया, लेकिन अब और ले आगे आ गया। अब ये दोनों जो हैं वो मूव करेंगे। यहाँ से आप इसकी सेटिंग को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसको छोटा कर दें और पिछली वाली को बड़ा भी कर सकते हैं। ये आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है। इसको मैं फिलहाल एक जैसे ही रहने देता हूँ। इसके बाद आप जो है वो अनलिंक ऑडियो और वीडियो को, यानी कि ये जो इतना वाजह तौर पर नहीं दिया हुआ, इस फंक्शन का आप फ़ायदा यहाँ से उठा सकते हैं कि इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों ने कर देना है अनलिंक फ्रॉम ऑडियो। यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जहाँ पे मर्जी ऑडियो को मूव करके लेके जा सकते। ये देखें इसको जहाँ पे मर्जी चाहूँ ऊपर भी इसको मूविंग कर सकता हूँ, यानी कि इसका इन दोनों का लिंक आपस में जो है वो खत्म हो गया है बिल्कुल। ठीक है, तो इसके अलावा दोबारा मैं इस पे जाता हूँ। अच्छा जी, ये जो क्लिप है इसको मैं एक नई फाइल के तौर पर भी सेव कर सकता हूँ, जिसमें प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है कि हम कोई कोड जो है वो लिखते हैं और उसकी एक्सटेंशन में उसको सेव कर सकते हैं दोबारा जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इतना लंबा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि लोग होते हैं बार टाइम वीडियो में तो वो हमें निकालने पड़ते हैं बार बार, तो वो मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से हम जो है छोटे से क्लिप ना आगे यहाँ पे जो है वो स्टोर कर लेते हैं, दोबारा जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम दोबारा उसको ले सकते हैं। ये देखें अब ऑडियो की फाइल जो है वो यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हम इसको ऑडियो को दोबारा दोबारा जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बाज टाइम मूवीज में भी यही है, सेम होता है कि यहाँ पे ऑडियो जो है वो दोबारा दोबारा जो है वो स्माइलिंग की हो तो की जाती है। इसी तरह बिल्कुल हम लोगों ने जो है इसका एक अलग पोर्शन बना दिया है। इसको फिलहाल मैं डिलीट ही कर देता हूँ, यहाँ से आप लोग जो है उसको डिलीट कर दीजिएगा। बाकी सारे ऑप्शन वही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, यानी कि वो डिलीट हो गया, यही ऑप्शन रहे। इसके बाद आप रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब इस फाइल की जगह कोई और फाइल भी यहाँ से, और जहाँ पे फाइल की लोकेशन है आप यहाँ पे दबाएंगे तो उसकी लोकेशन के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी, यानी इस लोकेशन से हम लोगों ने ये वाली फाइल उठाई है। इसको क्रॉस कर देते हैं, इसके बाद चले जाते हैं कट। कट करेंगे तो ये इसमें बारे में आपको पता है, कॉपी के बारे में भी आपको पता ही होगा तकरीबन, कि यहाँ से कट किया जाता है, कॉपी किया जाता है, डिलीट किया जाता है, रिनेम यानी कि इसका हम नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो में। इसके अलावा आप जो है वो वीडियो के इफेक्ट जो है इसके अंदर डाल सकते हैं, इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट हैं तो फिलहाल तो मैं नहीं बताने लगा, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। इसके अलावा आप जो इसकी क्लिप की स्पीड है उसको भी चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं क्लिप को, स्टेबलाइज, फ्लिप, रोटेट, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये एडवांस लेवल के ऊपर हैं, मैं इसको आपको बाद में बताऊंगा। अपने प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करना है तो सारी इसकी डिटेल जितनी भी होगी वीडियो की वो आ जाएगी, यानी कि ये वीडियो है इसका नाम डेमो एम बिफोर है और ये यहाँ पे स्टोर है, इसका फाइल पाथ ये है, इसकी डायरेक्शन जो है वो 28 सेकेंड है और इसका साइज़ ये है, डायमेंशन देख लें, एस्पेक्ट रेशियो ये है, एस्पेक्ट ऑडियो, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है वो देख लेनी है। तो क्लास हमारी थर्ड जो थी वो ख़त्म हो गई है। अब हमारी क्लास फोर जो है वो स्टार्ट होगी वीडियो मेकर से। वीडियो मेकर के थ्रू आप जो है वो और ज़्यादा जो इजी है मेथड से वो ऑटोमेटिकली जो है वो वीडियो बना सकते हैं। वीडियो मेकर के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।